खेलने कूदने वाले बाबा के यहाँ से घूम के आना ही पड़ेगा। भैया कहाँ से हैं? हम बहुरी पार से हैं। कहाँ से हैं? बहुरी पार से। बहुरी पार। ये पहली बार नहीं है कि दिल्ली से यहाँ महिला आई थी। बोल रहे थे कि वो दवा कई जगह करा चुकी हैं, लेकिन अभी तक कोई फायदा नहीं मिला। बोलो सिद्धि बाबा की। वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। कैसे हो आप सब? उम्मीद अच्छे होंगे। मैं भी अच्छा हूँ। स्वागत करता हूँ आज के एक न्यू सेकंड पार्ट वाले वीडियो में। जैसा कि पिछली वीडियो में आपने देखा कि हम सुकरौली में सिद्धि बाबा के पास हम गए और उनके घर के ठीक पिछली दीवार पर मैंने सिद्धि सुकरौली वाले बाबा का नाम और ध्यान लिख दिया, जिससे वहाँ के लोगों को और आने वाले लोगों को यह जानकारी हो सके कि सिद्धि बाबा सुकरौली धाम यही है। और अभी तक जितने भक्तगण आते थे तो लोग पूछते थे कहाँ पे है, लिखा हुआ नहीं है। तो वहाँ के बाबा ने मुझे स्पेशल बुलाया, कहा बच्चा आओ और अपने हाथ की कलाकारी कुछ करो, जो होगा सो मैं आपको दे दूँगा। तो आपने उस वीडियो को देखा, उस वीडियो को देखने के लिए हृदय की आंती ग्रह से बहुत बड़ा आभार। आज हम दूसरी वीडियो में जानने वाले हैं कि वहाँ पर आई एक महिला जो दिल्ली से आई थी, वो क्या क्या की, कैसे की, सीधे बाबा से मिलेंगे और लोगों से मिलेंगे। मिलते हैं लोगों को। आप वीडियो को कंटिन्यू देखिए, वीडियो शुरू से अंत तक देखिए। चैनल को पहली बार चैनल को लाइक करके सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को ऑल पे सेट करिए, जिससे हमारी नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। आधा घंटा में सांस फूलल, घबराहट, थकान है, जो लगे चलना ही जाला, सर में भी दर्द हो रहा। सब आपने देखा कि बाबा जी अभी कुछ लोगों से उनकी बातों को, उनसे हालचाल पूछा और पूछ ही रहे, भी मुलाकात करेंगे हम। आइए महाराज जी से मिलते हैं और उनसे थोड़ा सा वार्तालाप करेंगे। सबसे पहले महाराज जी हमारे पास बैठे हुए, अभी चाय पानी हो रहा है और बहुत भक्तगण यहाँ पे बैठे हुए हैं। इधर भी नंदन जी बैठे हैं। क्यों भैया? आप सभी को जय श्री राम। महाराज जी प्रणाम। तो अब महाराज जी सामने हैं आपके। महाराज जी अभी हम सुने हैं कुछ लोगों से कि दिल्ली की एक महिला आई थी जिनको चर्म रोग था पूरे शरीर में, ऊपर से नीचे। क्यों चर्म रोग था ना? हाँ, कहाँ से थी? दिल्ली से। तो वो दिल्ली से आई थी, क्या उनको दिक्कत है महाराज जी? देखिए यह पहली बार नहीं है कि दिल्ली से यहाँ महिला आई थी। यहाँ प्रत्येक रविवार को आप आइए और आप अगर चैनल चलाते हैं अपना, यूट्यूबर हैं, तो प्रत्येक रविवार के आइए। कई जिला से यहाँ यूट्यूबर और ये मीडिया वाले आते हैं, लोग न्यूज बनाते हैं। और देखिए कितना यहाँ सर्वेश्वर धाम में आया, और चैनल पर देखिए तो चल रहा है वहाँ से, दिल्ली से, बम्बई से, कलकत्ता, फैजाबाद, आजमगढ़, देवरिया, यहाँ से अनेक प्रकार के लोग आते जाते रहते हैं। कोई चरक, कैंसर, कोड, अनेक प्रकार की बला बीमारी है, जैसा श्रद्धा व्यवस्था विश्वास है, आते रहते हैं। और प्रत्येक रविवार के दिन हम इसी तरह समय निकाल करके अपना 2 घंटे 4 घंटे प्रसाद के रूप में जो कुछ है बंटवा देते हैं और लेके जाते हैं, खाते पीते हैं और कहते हैं बाबा हमारा कल्याण हो जाए। इस तरह से क्रियाएं 7 बरस से चल रही है। क्या बात तो ये है? सच बात है, दिल्ली से आज एक महिला आई थी जिनको चरक का बीमारी है और यहाँ से पानी प्रसाद ले गई है। मालिक की मर्जी है, चाहेंगे तो उनका भी चरक खत्म हो जाएगा। हाँ, मैंने आज देखा भी उनको, अभी देखा कि वो हर रविवार को आती हैं, तो बिल्कुल खत्म हो जाएगा उनका भी, विश्वास उनका है, क्योंकि बहुत लोगों का यहाँ खत्म। यहाँ पे कुछ लोगों ने कहा कि बाबा बागेश्वर धाम के लोगों से यहाँ, वहाँ से भी कोई आया था? बहुत आए थे। क्यों? बहुत लोग आते हैं बागेश्वर धाम से। 2-3 लोग आए थे बागेश्वर धाम से, वहाँ से यहाँ आ करके उनको जो है राहत मिली। वहाँ से जो है बोल रहे थे कि वो दवा कई जगह करा चुकी हैं, लेकिन अभी तक कोई फायदा नहीं मिला। सत्य है, बिल्कुल सही है। बागेश्वर बाबा से निराश होके आई थी सुकरौली के बाबा के पास, यहाँ से उनको बहुत लाभ मिल रहा है। दुआ हो रहा, दमा की बीमारी थी, सांस फूल रही थी और यहाँ खजूरी के एक यादव आए थे। अच्छा अच्छा। गिट्टी बालू का उनका दुकान छड़ी सरिया उड़िया क्या है, और यहाँ आए तो बोले बाबा जी हम बागेश्वर धाम से आए हैं, यूट्यूब पर है वो। अच्छा अच्छा। आप सर्वेश्वर धाम बोलेंगे या सुकरौली के बाबा के बोल के बोलेंगे तो उसमें देखेंगे कि खजूरी से यादव आए हैं, बागेश्वर धाम से आए, एक महिला कन्हौली से लेकर आए थे, उसका भी तबीयत ठीक हो गया और इनको दमा और शुगर का बीमारी था। वहाँ जो टीना छवाया वहाँ लोट लोट के रो रहे थे, वहाँ हमने पूछा, निकला बाहर तो पूछा ये आदमी क्यों रो रहा, बोले बाबा इनका सांस फूल रहा बहुत जोर से और ये बागेश्वर धाम से आए हैं। हालांकि वो इंसान बागेश्वर धाम से नहीं बल्कि खजूरी से था, बागेश्वर धाम से वापस आया था। तो उसको यहाँ से बाबा की भभूति मिला प्रसाद और 1 घंटे में खाने के बाद वहाँ हंसने लगा, आज वह स्वस्थ है। और यहाँ पर एक टाली गिट्टी ईटा बालू जो भी है सर्वेश्वर धाम मंदिर के लिए मन्नत करके गया है, हालांकि अभी तक वापस नहीं आया, लेकिन आज तक वह स्वस्थ है, खुशहाल है।
क्या बहुत है। लोग बागेश्वर धाम से घटकोसर बाबा हैं, पंडोखर बाबा हैं, ये जितने सरकार वाले बाबा हैं उनके पास से घूम फिर के यहाँ तक आते हैं, क्योंकि खेलने कूदने वाले बाबा के यहाँ से घूम के आना ही पड़ेगा जहाँ संत समाज है उन्हीं के पास कल्याण। सिद्धि बाबा की, धर्म की, धर्म की, अधर्म का, प्राणियों में, प्राणियों में, हर हर महादेव। क्या बात है दोस्तों, आपने देखा कि बाबा जी ने अपने मुखारविंद से जो भी बातें कही और सब सच थी, ऐसा नहीं बना करके कहा जा रहा है, ऐसे ही देखा कहा जा रहा है। भैया यहाँ भी हैं, भैया कहाँ से हैं? हम बहुरी पार से हैं। कहाँ से हैं? बहुरी पार से। बहुरी पार से जो अभी बातें यहाँ पे हुई सब तो सत्य थी, आप सब सामने से सुबह से लेकर शाम तक। तो दोस्तों अगर आस पास के हैं तो आप यहाँ आकर के, यहाँ सिद्धेश्वर धाम पूज्य श्री सिद्धि बाबा का चैनल है जो अजय राज इंटरटेनमेंट चैनल के नाम से है, उस पर आप देख सकते हैं। हमारी सर्वेश्वर धाम का चैनल है जिसपे आप यहाँ की वीडियो देख सकते हैं, और हम प्रत्येक रविवार को यहाँ पे आते रहेंगे। आप लोगों का इतना प्यारा सहयोग और सपोर्ट रहा तो हम आते रहेंगे, मिलते रहेंगे। बाबा जी आपको प्रणाम। बाबा जी से मिला, बाबा जी से बहुत सारी बातें की और वहाँ के लोगों से मैंने मिला, बहुत अच्छा लगा मुझे वहाँ का अनुभव। रविवार को बाबा जी ने मुझे बुलाया है कि भंडारे की वीडियो बनाई हुई है। रामहित यादव जो एक बहुत अच्छे निर्गुण गायक हैं आने वाले, लास्ट में बाबा जी ने ये कहा आपने बहुत अच्छा लिखा है और बहुत अच्छे से लिखा है। मैंने भी मन से लिखा वहाँ पर, मुझे भी बहुत अच्छा लगा वहाँ पर आकर के। अब बाबा जी ने मुझे कुछ भेंट स्वरूप दी, भभूति भी दी, मुझे बहुत अच्छा लगा। इस जिले के आसपास के लोग हमारी इस वीडियो को देख रहे हैं तो दिल से धन्यवाद। कौन सा चीज़ आपको सबसे अधिक प्रिय लगा कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा। हमारी आज की वीडियो कैसी लगी? काफ़ी इंफॉर्मेटिव और हेल्पफुल रही होगी, उम्मीद है आज की वीडियो पसंद आई होगी। चैनल पर पहली बार आया चैनल को लाइक करके सब्सक्राइब कर दिए, बेल आइकन को ऑल पे सेट कर दिए जिससे हमारी नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में इससे भी लेटेस्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, सत श्री अकाल, सब खैर।